मैं भगवान मैं मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारे बच्चों को वहाँ से सेफ निकाला और सेफ हमारे कंट्री पहुँचा। वहाँ पे जो हालात थे वो बहुत ज्यादा ही खराब थे, क्योंकि हम लोगों को खाने पीने के लिए भी और किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं थी, और वहाँ पे इवन फूड्स वगैरह सब कुछ खत्म हो गया था। हमें बंकर्स में रहने के लिए ही बोला गया था, तो हम लोग 24 तारीख से लेकर 2 तारीख तक बंकर्स में ही रहे हैं, तो वहाँ पे हमें कुछ भी नहीं प्रोवाइड हुआ था। फिर 2 तारीख को इंडियन एम्बेसी ने हमें एक एडवाइजरी दी कि आज आपको निकलना ही निकलना है, क्योंकि उसके बाद सब कुछ ब्लास्ट हो जाएगा। तो 2 तारीख को हम लोग फिर वहाँ से निकले, और वहाँ से निकलने के बाद फिर हम लोगों ने कैब वगैरह टैक्सी वगैरह बुक करी, उसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ से ट्रेन बुक करी। तो हम लोग वहाँ से ट्रेन से चढ़े हैं, फिर ट्रेन में चढ़ना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो लोग इंडियंस को प्रेफरेंस नहीं दे रहे थे, वो सिर्फ अपने लोगों को बोल रहे थे कि आप लोग जाइए और ये लोग बाद में भी जा सकते हैं। इवन जब हम लोग निकले उसके आधे घंटे बाद वहाँ पे ब्लास्ट हुआ, वहाँ पे ब्लास्ट होने के बाद फिर हम लोग वहाँ से लिवी पहुँचे। लिवीव से हम लोगों ने टैक्सी बुक करी बुदापेस्ट के लिए चौप ट्रेन स्टेशन की, फिर वहाँ से हम ट्रेन स्टेशन में पहुँचे, फिर वहाँ से हम लोगों को इमिग्रेशन वगैरह हर एक चीज़ प्रोवाइड हुई थी, लेकिन खार्किव सिटी में कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया गया। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अभी सुमी में बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं, अराउंड 1400 to 1800 स्टूडेंट्स। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर इंडियन गवर्नमेंट अभी भी कुछ कर सकती है तो प्लीज़ उनकी हेल्प करें, उनको एयरलिफ्ट किया जाए।